कॉज बिजनेस चाहे अगर मैं एजुकेशन एरिया से लोगों से पूछूं तो लेस देन 10% आर थिंकिंग कि शायद वो बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि फाइव को इवेलुएट यू माइट बी कुड बी अ बेस्ट बिजनेस मैन एज कंपेयर टू बिल गेट्स, यू यू कैन हैव सच स्किल्स लेकिन यू कुडंट बी प्रमोटेड ऑन दैट एरिया। और थर्ड स्किल हम तक क्या साहब की बात कर रहे थे, जर्मनी की बात कर रहे थे, फ्रांस की बात कर रहे थे, जापान की बात कर रहे थे, उन्होंने पर्सनली अपने आप को प्रोड्यूस किया, पर्सनली डेवलप किया और एक सक्सेस अचीव करने के बाद वो वापस आए एक सोशल वर्क की तरफ, एक सोशल कॉज की तरफ। वहां पे जो सोसाइटी का एलिमेंट है दैट्स कोलैबोरेटिव, दैट्स यूनिट, माइट बी देयर लर्निंग, दे हैव अचीव्ड अ लॉट बट राइट नाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स पीपल। वो लोग जो अपने लाइफ के एम्बिशंस, लाइफ के गोल्स अचीव नहीं कर सकते, वो जो अच्छे लाइफ के सिस्टम को एंजॉय नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हेल्प करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उनके बाद जो बच जाता है वो कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि बहुत से प्रॉब्लम्स में हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके कॉज अचीव करते हैं। सो सोशल वर्क इज देयर और सोशल वर्क वो चीज है जो कि किसी भी कंट्री की सक्सेस के अलावा है। आप नेट पर जाइए, गूगल के लिए जाके देखें, वो कंट्रीज जो कि सक्सेसफुल कंट्रीज है वहां पे सोशल वर्क का रेट ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज वो नॉट सक्सेसफुल, वो नॉट स्टेबल, वो नॉट ग्रोइंग इन इकोनॉमी, इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर गवर्नेंस। और सेकेंडली सोशल वर्क से लिंकेज निकलता है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की तरफ। हमारा मीडिया हम देखते हैं रोज चीखता होता है कि ये इतने का करप्शन हो गया, मान की एग्जाम नहीं पाई गई, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, ये हो रहा है, वो है, तो ये मीडिया का काम तो नहीं है, इसको कवर आई मस्ट से गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम एक पॉलिसी बनाना है, गवर्नमेंट का काम एक स्ट्रक्चर देना है, एक लाइन देना है, एक तरफ उन्हें चलाना है, उसका चेक एंड बैलेंस किसने करना है? तो वो अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपने जहां पे सारा पैसा स्टोर करते हैं आप उस पर चेक ही नहीं रह सकते कि आप कौन पैसे निकाल रहे हैं, कौन रख रहे हैं, और आप ब्लेम करते हैं कि कारोबार किसे चला गया, तो ये किसे स्टोर डायरेक्टली। तो सोशल वर्क की तरफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ सोसाइटी में करेंगे। अगर हम उस रोल में छोड़ देंगे तो और वो रोल कोई प्ले करने के लिए नहीं आएगा ना आ सकता। सोशल साइड फ्रॉम आर साइड हमारी कंट्री में जितने प्रॉब्लम्स हैं आप उनको लेस करिए, बीइंग सोशल वर्कर, यूथ एक्टिविस्ट, बिकॉज़ आई लव टू वर्क विद यूथ, आई लव टू वर्क फॉर यू, बिकॉज़ हर किसी लाइफ का एम्बिशन या पैशन होता है, बीइंग लाइफ का एम्बिशन एंड पैशन, यूथ हैव यूथ के स्किल डेवलपमेंट है थ्रू देयर ट्रेनिंग, थ्रू एंगेजमेंट इन वेरियस प्रोग्राम्स, टू इम्प्रूव देयर प्रोफेशनल स्किल्स, टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्किल्स, सो दे बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन फॉर सोसाइटी, नॉट फॉर मायसेल्फ बट देयर चाइल्ड, to work on their skills for themselves or their own success. So, ये मेरा ही cause है। आपकी life का भी cause हो सकता है। Maybe आपको लगता है कि poverty बहुत ज़्यादा है। What should you do a contribution? 1% you should do it. आपको लगता है कि इस मुल्क में governance का system weak है, तो you could have initiated it. आप initiative से लिए हैं तो social cause. आपको लगता है कि education में आप कुछ कर सकते हैं, आप करें। आपको लगता है कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो रही है उसको मिनिमाइज करने में आप करें। कोई भी लातादात कॉज में, कोई भी एक ऐसा कॉज जो आपको लगता है, आपको फैसिनेट करता है, आपको अट्रैक्ट करता है, आप क्लिक है उस पे, उस पे काम करें। एंड वन ऑफ दिस कॉज आई जस्ट लर्न, आई हैव वर्क इन द पास्ट एज वेल ऑन दिस दिस काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक ब्लड डोनेशन, डेवलपिंग सच काइंड ऑफ ब्लड बैंक्स। आई वाज ट्रेनिंग ब्रिटिश ट्रेनिंग इन कार्निवल and I assigned a task to the people there. In 5 days, what they did, they had a physical milestone there. उन्होंने 200 लोगों की लिस्ट डिजाइन की जो कि ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, राइट राइट अपने नेटवर्क से, अपने पैनल से 200 लोगों की लिस्ट उन्होंने क्रिएट की और वो लिस्ट उन्होंने एमरजेंसी हॉस्पिटल्स में 1122 में और उन इधारों में शेयर कर दी जहाँ पे इमीडिएटली कहीं भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। So that was single cause, an idea can change your life. एक आइडिया को सोचने की बात है, पहले चीज सोचें, दूसरी चीज अमल करें, लेकिन जब तक इनिशिएटिव नहीं होगा, पहला कदम नहीं होगा, वो चाहे गोल्ड बनाने का आइडिया क्यों है, वो आइडिया फ्लॉप होगा। थिंक एंड एक्ट, तो वो काम
जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही तो कुछ जिम्मेदारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे भी आ जाती है। कुछ उठते हैं व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन डू टू मेक दिस पाकिस्तान अ सक्सेसफुल पाकिस्तान। So don't think we don't have opportunity. We have a big, big, big opportunity of youth. You are the 60% of this nation. You are the massive part of this nation. You have energy, you have passion, you have enthusiasm. You can do a lot, but you have to think. You have to realize. You have to work on yourself. You have to work on your cause. Work on your society. Work on your community. Then work on your nation. ताकि ये पाकिस्तान जो कि कब से एक तरक्की की राह को देखने के लिए इंतजार कर रहा है उस पर चल सके। हम हमारे बाद वाली आने वाली नस्लें जहाँ से हमने स्टार्ट किए वो यहाँ से स्टार्ट करने उससे आगे से स्टार्ट करें। करंटली वेरियस व्यू ऑफ पर्सन लाइक पॉलिटिकली कुछ लोग एक तरफ जाते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ जाते हैं। आजकल का बड़ा हॉट सब्जेक्ट है मीडिया और यू कैन से 24/7 इसी सब्जेक्ट पर लगा हुआ है। What we got, some awareness कि वो mistakes जो खास conditions में वो हमें अपनी करनी चाहिए। Cause पाकिस्तान सबसे पहले आता है, पर पाकिस्तान के लिए कुछ करने का टाइम स्टार्ट है जो हमारा गोल हमें अपने करना चाहिए। Some people say कि ये सब क्यों हो रहा है, ये मीडिया बड़ा हिचान है, बड़ा यू कैन से एक एग्रेशन है, पार्टीज की फाइट है, पोलिटिकल डिस्टेबिलिटी है। तो आई से वन थिंग They are the senior people who guide me. मैं कहता हूँ अगर ये इनिशिएटिव आपने 30 साल पहले ले लिया होता तो इस जनरेशन की इनिशिएटिव नहीं आता। इफ यू थॉट बिफोर 30 इयर्स टू डू सच काइंड ऑफ थिंग तो आज हम 30 साल पाकिस्तान से आगे होता है, जो कि आज हमें उसको डिफॉर्म करके डिमोलिश करके एक स्टार्ट देना पड़ता है। तो ऑलवेज जब तक सोचते रहेंगे, जब तक प्रोटोटाइपिंग पर रहेंगे, जब तक इनके से ओल्ड थॉट्स पर रहेंगे, नई चीज डिजाइन नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं अपने स्किल को, अपने से ज्यादा लोगों तक लेके जाएंगे, तब तक वो आंसर वही का वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो फॉलोइंग द फॉर्मूलाज फ्रॉम अदर नेशंस, दे बिलीव इन सोशल वर्क, दे आर डूइंग द सोशल कॉजेस, दे आर सपोर्टिंग वेरियस थिंग्स। सो माय लाइफ का थिंग ऑन योर पार्ट, आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए, प्लीज जरूर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, अपॉर्चुनिटी एंड लिसनिंग। इट्स प्लेजर।